एफसी स्टूडियोज आज एक्सप्लेन कर रहा है 2004 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका नाम है क्लोजर। इस मूवी शुरू होती है एक यंग राइटर के साथ, उसका नाम है डैन। वह अब लंदन के डाउनटाउन स्ट्रीट पे चला आ रहा है और वो एक लड़की को देखता है। वो शॉर्ट रेड कलर की बाल में बहुत खूबसूरती दिखती है और वो लड़की भी इनको देखती है और दोनों का आई कॉन्टेक्ट होती है और दोनों स्माइल करने लगते हैं। लेकिन उस लड़की ने अचानक से रोड क्रॉस करने के लिए रास्ते पे आ जाती है, वो भी रॉन्ग साइड पे, और उसको एक कार से एक्सीडेंट हो जाती है। इसे देखकर डैन ने उस लड़की की तरफ दौड़ के आता है और वो लड़की ने इनको देखकर बोलती है कि हेलो स्ट्रेंजर, और तब पता चलता है कि इतना ज्यादा चोट नहीं हुई है और डैन ने उस लड़की को अस्पताल ले जाता है और एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं और अस्पताल से बाहर जाना शुरू करते हैं और एक पार्क के पास आते हैं। तब डैन को अपना बचपन का याद आता है और एक वाल के पास आते ही देखते हैं कि कुछ पुलिस फायरमैन और कुछ लोगों का नाम लिखा है कि वो लोगों आम लोगों को बचाने में शहीद हुए हैं। बाद में वो बस लेते हैं, वहाँ से निकलते हैं और अपने बतवहित जारी रखते हैं। तब हमको पता चलता है कि डैन एक अनसक्सेसफुल राइटर है और अब उस लड़की ने अपना परिचय करती है कि वो न्यूयॉर्क में एक स्ट्रिपर है और अपना एक बुरा रिश्ते से बाहर आने के लिए वो लंदन आई है। तब डैन के ऑफिस का स्टॉप आता है और वो उसे गुड बाई कहते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ स्टेप्स आगे जाने के बाद वो पीछे देखते हैं और उस लड़की ने डैन से पूछती है कि क्या तुझे कोई गर्लफ्रेंड है, और डैन कहता है कि हाँ मुझे गर्लफ्रेंड है। अब हमें दिखाया जाता है एक साल के बाद डैन एक छोटा सा स्टूडियो में अपना फोटोशूट करवा रहा है और उस फोटोग्राफर का नाम है अन्ना, और अन्ना ने उसकी रीसेंट बुक द जस्ट जैकेट के लिए ये फोटोज ले रही है और वो बुक डैन और एलिस के बारे में है। ये एक रोमांटिक कदंबरी है। तब पता चलता है कि डैन और एलिस साथ में रह रहे हैं। तब पता चलता है कि अन्ना एक अमेरिकी फोटोग्राफर है और स्ट्रीट फोटोग्राफी में ज्यादा इंटरेस्ट है और स्ट्रेंजर्स की पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करती रहती है। तब अन्ना ने डैन को बोलती है कि अब मैं एक्वेरियम जाने वाली हूँ और वहाँ के लोगों का फोटो लेनी है। तब अन्ना ने ये भी कहती है कि मैं एक रिसेंटली मेरे पति से दूर हो गई हूँ। तब डैन को पता चलता है कि अन्ना ने उसकी कदंबरी पढ़ी है और उस किताब अन्ना को बहुत अच्छी लगी है। बाद में दोनों किस करते हैं। तब अन्ना को याद आता है कि डैन को गर्लफ्रेंड है और उस किताब उसकी बारे में है, और वो किस करना बंद कर देती है। तब डैन बोलता है कि मैं तुझे पसंद करता हूँ और तू चाहिए मुझे, लेकिन अन्ना बोलती है ये सब होने वाली नहीं है, ये सब यहीं पर छोड़ दो। तब अचानक से डोरबेल रिंग होता है और कोलते ही एलिस आ रही है डैन से मिलने के लिए, और एलिस बताती है कि मुझे एक कॉफी शॉप में नौकरी मिली है और ये बोलने के लिए आई हूँ। तब डैन ने एलिस को स्टूडियो के अंदर ले जाता है और अन्ना से इंट्रोड्यूस करवाता है। बाद में एलिस अपनी कुछ फोटोस लेने के लिए अन्ना से पूछती है, और जब अन्ना फोटो लेने शुरू करती है तब एलिस बताती है कि मैं सब सुना हूँ जो आप दोनों बात कर रहे थे। तब अन्ना ने उससे माफी मांगती है, लेकिन एलिस ने रो रही होती है और फोटो लेने के लिए अन्ना को फिर बोलती है। और थोड़ी देर बाद डैन अपने कंप्यूटर पर अपने अपार्टमेंट में कुछ कर रहा है और वो एक हुकअप चैट रूम में मजाक करने के लिए एक लड़की के नाम पर लॉगिन करके स्ट्रेंजर्स से चैटिंग कर रहा है। तब वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम लैरी है। वो एक स्किन स्पेशलिस्ट है और वो एक सेक्स एडिक्ट है, और वो काम करते समय भी चैटिंग कर रहा होता है। जब वो डैन से नाम पूछता है तो वो अमाना बताता है। उसके बाद दोनों कुछ रोमांटिक एंड हॉट चैट करते हैं। तब डैन लैरी से मजाक करने के लिए उनसे मिलने के लिए पूछता है और उसे मिलने के लिए एक्वेरियम के पास आने के लिए कहता है, और अगले दिन लैरी वहाँ चला जाता है। लेकिन कोइंसिडेंस में अन्ना भी वहाँ होती है। तब लैरी समझता है कि यह वही लड़की है जो इनके साथ चैटिंग कर रही थी। तब वो उसके पास आता है और उनसे बात करता है। तब उनको पता चलता है कि डैन ने उस पर एक मजाक किया है। अब उनको शर्म आना लगता है और वो खुश कि वो अन्ना से मिला है, और दोनों बातचीत करना शुरू करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डैन और एलिस अन्ना की एक आर्ट एग्जिबिशन में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और हमें यह भी पता चला कि डैन के पिता का हाल ही में निधन हो गया है और डैन कला प्रदर्शनी के बाद अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं, और एलिस भी उसके साथ जाना चाहती है और उसका साथ देना चाहती है, लेकिन डैन अकेला जाना चाहता है। अब वे दोनों एग्जिबिशन में जाते हैं और एलिस की आंसू के साथ रोते हुए ली गई तस्वीर को देखते हैं, और जब एलिस इसे देख रही थी तब वो लैरी से मिलती है
और दोनों थोड़ा बातचीत करते हैं और थोड़ा फ्लर्ट भी करते हैं। और तब एलिस को पता चलता है कि लैरी और अन्ना दोनों डेटिंग कर रहे हैं। तब अन्ना आती है और लैरी से मिलती है। अब तो उन चारों के बीच कुछ देर तक बातचीत भी चलती है और डान अब भी अन्ना पसंद कर रहा है। और बाद में डान ने एलिस को बताता है कि कैसे लैरी और अन्ना एक दूसरे से मिले थे और वे उसे क्यूपिड कहते हैं। तब हमको ये पता चलता है कि डान अब भी एक अनसक्सेसफुल राइटर है और उसका रीसेंट किताब भी फेल हो गई है। कुछ देर बाद डान ने एलिस को इमारत के बाहर एक टैक्सी कैब में बिठा के घर जाने के लिए बोलता है और वो सीधे अंतिम संस्कार के लिए जाने का नाटक कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो फिर से अन्ना से बात करने के लिए वापस चला जाता है। अब अगले सीन में दिखता है कि एक साल हो गया है और डान अपने अपार्टमेंट में आता है और पहले एलिस को बताता है कि वो एक बिजनेस डिनर पर जा रहा है। तब दोनों के बीच कुछ बातचीत चलता है और फाइनली वो एडमिट करता है कि वो अन्ना से मिलने जा रहा है। और तब वो भी बताता है कि उस दिन आर्ट एग्जिबिशन में वो वापस अन्ना के पास गया और तब से फिर अन्ना के साथ अफेयर चल रहा है। उसी समय हमको अन्ना को दिखता है और अन्ना ने लैरी से शादी की है और दोनों एक ही अपार्टमेंट है और लैरी अभी अभी अपना बिजनेस ट्रिप से घर आया है। तब लैरी बताता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता और मैंने एक कॉल गर्ल से इंटीमेट हुआ, इसको छुपाने के लिए मारा, मन नहीं कर रहा है। तब अन्ना ने बड़ी ही आराम से इट्स ओके बोलती है। तब पता चलता है कि अन्ना और डान के बीच अफेयर चल रहा है। तब लैरी गुस्से हो जाता है और पूछता है कि फिर मुझसे शादी क्यों की। तब अन्ना बोलती है कि मैंने ये सब खत्म करना चाहती थी जब हम शादी करने का फैसला किया था, लेकिन यह फिर से शुरू हो गया। यह सारा सुनकर लैरी और गुस्से में अन्ना को अपनी अपार्टमेंट से बाहर जाने के लिए बोलता है और डान के घर जाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ इधर एलिस का दिल टूट गया है और रो रही है। तब डान उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है और उनसे माफी मांगता है, लेकिन एलिस घर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद डान को पता नहीं है कि वो कहाँ चली गई है। अब सीन शिफ्ट होता है और 6 महीने के बाद लैरी ने एक स्ट्रिप क्लब में जाता है और वहाँ एलिस को देखता है और वहाँ एक स्ट्रिपर का काम कर रही है। वो पिंक विग और शॉर्ट्स ड्रेस में सुपर हॉट लग रही है। तब लैरी ने उसके साथ एक प्राइवेट डांस अरेंज करता है। बाद वो लैरी के साथ डांस करती है और किस करती है और उनसे फ्लर्ट करती है और मुस्कुराते बोलती है कि मेरा नाम जाने जोन्स है। और लैरी भी एक्ट करते हुए कहता है कि उसका और अन्ना का हाल ही में डिवोर्स की कहानी, और यह भी बोलता है कि एलिस ने उसको सीरियसली नहीं ले रही है। तब वो कहता है कि वो एलिस के साथ गपागप करना चाहता है, लेकिन वो मानती नहीं। तब वो उससे बोलता है और स्ट्रिप करो और इंटीमेट डांस करो। अब एलिस ने वो जो कहता है वही करती है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ महीने बाद डान से मिलने के लिए अन्ना ने दौड़ के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट पे आती है और देर से आने के लिए माफी मांगती है। तब वे दोनों कुछ पीने के लिए बैठते हैं और हमें पता चलता है कि उस दिन लैरी से डाइवोर्स पेपर में साइन करने के लिए मिली थी। तब कुछ मिनट बाद डान ने एक अनुमान लगाया कि अन्ना उस दिन लैरी के साथ सोया था और वो सही भी था। और अब एक फ्लैशबैक को पहले दिखाता है और लैरी ने कहा कि अगर वो उसके साथ गपागप करेगी तो वो डाइवोर्स के पेपर पर साइन करेगा। और लैरी आखिरी बार अन्ना से गपागप करना चाहता था और अन्ना भी उसके साथ गपागप करने के लिए तैयार हो गई और इससे सब कुछ खत्म करना चाहती थी। और लैरी को सिर्फ गपागप चाहिए और वो उसको मिला भी। एक और कुछ महीने बाद डान ने लैरी के ऑफिस में घुस जाता है और गुस्से से होता है। और तब पता चलता है कि अन्ना को लैरी ने उसके पीठ में छोड़ दिया है। और अब डान उसका सामना करने की कोशिश करता है और दावा करता है कि यह सब तुम्हारी गलती है। तब लैरी ने खुलासा करता है कि अन्ना ने कभी भी डाइवोर्स पेपर को दाखिल नहीं किए और वो मेरे साथ वापस आ गई है क्योंकि वो चट्टानी रिश्तों में रहने के लिए बर्बाद हो गई है और वो उसके वजह से डिप्रेशन में भी जा चुकी है। और लैरी ने यह भी कहता है कि वो जो भी हो, जैसे भी हो, मैं उनसे प्यार करता हूँ और उनसे रहना चाहता हूँ। यह सब सुनकर डान हैरान हो जाता है और लैरी पहले डान से नाराज होता है और फिर उस पर दया करना शुरू कर देता है, क्योंकि वास्तव में डान का दिल टूट जाता है और रोना शुरू कर देता है। तब लैरी ने डान को एलिस के पास वापस जाने के लिए कहता है और तब डान से पता चलता है कि वो नहीं जानता है कि वो कहाँ है। तब लैरी ने उसे एक स्ट्रिप क्लब के बारे में बताता है और तब लैरी झूठ नहीं बोल पाता और बताता है कि वो एलिस के साथ गपागप किया था जब वो स्ट्रिप क्लब में मिले थे। डान वहाँ से चला जाता है।
बाद में डांस स्ट्रिप क्लब में जाता है और एलिस को मंच पर नाचते हुए देखता है और वे दोनों एक दूसरे से आंख मिलाते हैं और एक दूसरे को देखकर खुश लगते हैं। और एक बार फिर एलिस और डैन एक एयरपोर्ट के पास हीथ्रो नाम के एक होटल के रूम पे है और वो दोनों साथ में खुश लग रहे हैं। और एलिस ने वापस न्यूयॉर्क जाने की प्लानिंग कर रही है और डैन को अपने साथ एक ट्रीट के रूप में ले जाने की सोच रही है, क्योंकि यह वो दिन है जब वे पहली बार उस लंदन स्ट्रीट कॉर्नर पर 4 साल पहले मिले थे। और तब डैन बोलता है कि समय कितनी तेजी से उड़ता है। और बाद में डैन ने एलिस से पूछता है कि क्या वो लैरी के साथ सोई है, और वो उससे कहती है कि मैं यह सब नहीं किया। तब डैन सच्चाई जानने की कोशिश करता है और एलिस से सच जानने के लिए पूछता है। बाद वो सिगरेट लेने के लिए बाहर जाता है। जब वो वापस आता है और वो एक फूल के साथ एलिस के पास आता है, लेकिन एलिस बताती है कि वो अब उसके साथ प्यार नहीं करती है। और वो उससे कहती है कि मैंने तुमसे अभी प्यार करना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि वो लैरी के बारे में जानने के लिए दबाव डालता रहा था। आखिरकार वो सच मानती है कि वो और लैरी उस रात एक साथ सोए थे, जब स्ट्रिप क्लब में एक दूसरे से मिलने के बाद। अब डैन उसे बताता है कि वो पहले से जानता है और उसे पहले ही माफ कर चुका है। और वो उससे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन ये बात बार बार पूछने से वो तंग आ चुकी है और डैन को जाने के लिए कहती है। और वो डैन पर चिल्लाना शुरू कर देती है और डैन ने तब एलिस को एक थप्पड़ मार देता है और होटल के कमरे से निकल जाता है। और एलिस खुद न्यूयॉर्क वापस आ जाती है। उसी समय डैन लंदन में रह जाता है और डैन एक पार्क से गुजरता है कि वो पहली बार दोनों मीट हुए थे। और तब इधर एलिस न्यूयॉर्क में वापस आ जाती है जब एलिस इमिग्रेशन से गुजर रही होती है। हम देखते हैं कि उसके पासपोर्ट पर उसका असली नाम लिखा होता है कि जेन जोन्स है, जो नाम उन्होंने लैरी को स्ट्रिप क्लब में बोली थी। अब वो न्यूयॉर्क में एक बिजी सड़क पर चलती है और फिर वो वॉक न करें सिग्नल के खिलाफ एक सड़क पार उतर जाती है, जो हमें शुरुआती सीन की याद दिलाती है कि जब उसने लापरवाही से लंदन में सड़क पार थी और एक टैक्सी ने टक्कर मार दी थी और डैन से मुलाकात हुई थी। फिर भी वो अपने देश में अकेले अनसर्टेन फ्यूचर का सामना करने के लिए वापस आ गई है। और इस सीन से ये मूवी खत्म होता है।